हमारे प्यारे धर्म जी। बहुत खराब बोल रहा हूँ, सॉरी। नहीं नहीं बहुत बढ़िया। नहीं बहुत उसके आगे का क्या है? फान जाऊंगा, चलो उसके आगे क्या क्या? अरे सालो, मौसी से कौन शादी करेगा? मैं तो वो धनो नहीं बसंती से शादी करूंगा। अरे अरे मौसी भी तैयार है, धनो भी, बसंती भी तैयार है। थैंक यू धर्म जी, बहुत बहुत खुशी हुई कि आप हमारे शो में आए। थैंक यू, थैंक यू। और अब बुलाता हूं उनको जिन्हें हम एक अरसे से बुला रहे हैं इस शो पर, लेकिन वो हमें देते हैं तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। हमारे पंजाब के पुत्र सनी देओल। Always wondered कि आप हमेशा इतने soft spoken हैं। When you get angry, you know, seen. वैसे ये इनको मैंने आज तक कभी गुस्से में देखा नहीं। लेकिन ये जो आवाज जो निकलती है, ये कहाँ से निकलती है? कभी कोई आदमी कहीं फंस जाता है, गलती हो जाती है, तो सब गुस्सा ही जाता है ना, तो अपने आप आवाज निकलाती है। But ये जो scene है, इतना full heart से एकदम फुल थॉटल में था ये सीन। मैं भी हमेशा कोशिश करता हूँ कि कभी ऐसी जगह में फंसू नहीं जहाँ पे ये आवाज दे, ऐसा कोई मौका आ जाए जहाँ मैं गुस्सा इतना निकालना पड़े। आप सन ऑफ पंजाब, ग्रैंड सन ऑफ पंजाब, हमारा सौभाग्य है कि आप आए हैं और आप हमारे साथ ये खेल खेलेंगे। तो मैं आप लोगों को इस गेम के रूल्स बता देता हूँ। ये है क्लोरमेंट नॉकआउट राउंड। गौर से सुनना और दोबारा मत पूछना। तो आपको धर्म जी, आपको सनी को नॉकआउट करना है, और सनी यू हैव टू नॉकआउट धर्म जी इन दिस। आपसे पूछे जाएंगे 5 सवाल और उनके सारे जवाब हमारे इस LG LCD टीवी में छुपे हुए हैं। जिसने भी पहले 3 सवालों का सही जवाब दिया वो खेलेंगे मेरे साथ 10 करोड़ के लिए। 10 का दम। आपका पहला प्रश्न, खाने के लिए बैठने से पहले कितने प्रतिशत भारतीय पुरुष अपनी पैंट का बटन या बेल्ट खोल देते हैं? यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही सवाल किए जाएंगे। तो खाने के लिए भी पैंट का बटन और जस्ट बिफोर ईटिंग, खाने से कुछ पहले थोड़े, डू दे डू दैट? पता नहीं, आई थिंक वो जो खाने का जो पहले का जो पोजीशन होता था ना, वो गांव में वो ऐसा होता था, ऐसे बैठ के खाना खाते थे। आई थिंक फॉर दैट, आजकल तो बहुत आराम से, उस वक्त तो बटन नहीं होता था। नाड़ा ढीला करके चलते थे कि नाड़ा टूट ना जाए। मेरे ख्याल से कुछ खाने, आधा खाने के बाद खोलते होंगे बटन, तो या आधा कई दफा बटन टूट के नाक में सामने लगता होगा तो फिर। लेकिन बेल्ट और ये कुछ, बेल्ट और बटन हर चीज में खोला जाता है, खाने में भी। अरे तो मैंने पहली बार ये सुना हूँ। हाँ, बटन आजकल तो खुलवाते भी देखा है। वैसे तो ये नई पीढ़ी के सभी हीरोज मेरे बेटे जैसे हैं, बहुत प्यार करता हूँ सबसे, पर तुम एक्सेप्शन हो इसलिए कि मेरे 70s 80s की मेरी ज़िंदगी बहुत मिलती जुलती है तेरे साथ। बहुत बहुत ज़्यादा, ऐसे लगता है कि हम निवाला, हम प्याला, हम रहे हैं। और होता क्या है इनके लिए बेचारे की, कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। वाह, आह भी भरते तो बदनाम हो जाए, मैं भी ऐसे रहा हूँ। लेकिन मुझे एक किस्सा याद है कि पैंट के बेल्ट या बटन से तो कोई रिश्ता नहीं है उसका, लेकिन जेब से है।
स्टेट कि आप एक दिन इतने गुस्से में आ गए किसी चीज के ऊपर। नहीं, किस्सा ही कुछ अजीब सा था। एक पिक्चर थी जिसमें कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही थी, मुझे लगा शायद मैं बौखला गया हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, और डायरेक्टर साहब कुछ चाह रहे थे, वहाँ जो मेरे एक्टर साहब थे वो भी कुछ चाह रहे थे, और समझ में नहीं आया, तो मैं गुस्सा निकाल नहीं पाया, तो जीन्स के अंदर से बस हाथ डाला, पता नहीं इतना गुस्सा था कि पूरा पूरा फट गया। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सब भाग गए, कोई यहाँ से वहाँ, तो कोई देखने वाला था? तो कोई देखने वाला तो नहीं था? नहीं, सब डर के भाग गए। क्या करें, इंडिया में तीन चीजों का बहुत क्रेज है, क्रिकेट, सिनेमा और करोड़। करोड़ यानी कि मैं आ चुका हूं, मतलब कि 10 करोड़ देने वाला आ चुका है। अब मैं बुलाता हूं क्रिकेट को, मेरी तरह ये पठान भी है और फास्ट भी। तो प्लीज वेलकम द हैंडसम फास्ट बॉलर इरफान पठान। इरफान, बहुत खुशी हुई कि आप हमारे इस 10 का दम के शो में आए हैं। आपका एक भाई भी है जो क्रिकेट खेलता है। जी। बेटर आप में कौन है, यूसुफ हैं या आप? नहीं, रिकॉर्ड किसका अभी तक ज्यादा है? नहीं, अभी तक अगर देखा जाए तो रिकॉर्ड मेरा बेहतर है, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम से खेल रहा हूँ, लेकिन अगर छक्कों की बात करें तो वो बेहतर है। सुना, बहुत बहुत पीटते बोले उसको। अगर उसे कहे तो पहले बॉल से जाके मारने, वो पहले बॉल से भी मारेगा किसी को भी। किसी को भी? आप उनकी बात कर रहे हैं, मेरी बात कर रहे हैं? बोलर्स, हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं। क्रिकेट की बात कर रहे हैं। तो आप इस बार खेल रहे थे T20 या? मुझे ज्यादा क्रिकेट का नॉलेज नहीं है, या IPL आप थे? दोनों, IPL वर्ल्ड कप, हाँ जी दोनों खेल रहे आप थे। दोनों थे उसके अंदर, आप ऑपोजिट टीम, अलग अलग टीम। ये कैसे, ये क्यों किया आपने? ये नहीं बोला कि एक के साथ दूसरा फ्री आ जाएगा, या फ्री हो तो नुकसान हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। आप खेले हैं प्रीति सिंटा की टीम के लिए, हाँ, और आपके भाई खेले हैं शिल्पा शेट्टी के टीम के लिए। देखिए, करोड़ तो हो गया, क्रिकेट हो गया, अब बुलाते हैं सिनेमा को। सो प्लीज वेलकम द ब्यूटीफुल लवली एंड द हसमुख शिल्पा शेट्टी। थैंक यू, आप यहाँ पर आए और हमारे शो की इज्जत बढ़ा दी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। आप मुझे बताएं कि आई कांट बिलीव यू आर डूइंग दिस। ओह शट अप, सुनो, आई एम स्टिल ट्राइंग टू गेट ओवर दिस। जब से इनके लाइफ में राज कुंडर साहब आ गए, ये पुराने दोस्तों को भूल गई है। बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल नहीं भूलते अपने दोस्तों को। अच्छा, लास्ट फिल्म आपने और हमने कब किया था? 4 years ago, फिल्म चार साल पहले, जैसे छोड़ा था वैसे ही पाया हूँ। माशाल्लाह, सिर्फ एक ही है जो एज के साथ ये बेटर दिखती है। लाइक यू। मैं देखिए, आपकी एज बढ़ रही है, मेरी एज वहीं के वहीं है। जी हाँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आप एक दूसरे से मिले हैं? इट्स बाया यूसुफ दैट आई नो हिम। यूसुफ राजस्थान रॉयल के प्लेयर हैं। कमाल एक्सपीरियंस रहा, जैसे आपने कहा कि हमारे देश में क्रिकेट, सिनेमा और करोड़ों को लेकर काफ़ी वैसे चर्चा होता है। तो आई हैड द फर्स्ट टेस्ट ऑफ क्रिकेट। सिनेमा तो काफ़ी अरसे से कर रही हूँ मैं, लेकिन कितने से? कुछ 25-30 साल हो गए होंगे। 17 साल। मैडम सतारा से आई है, 17 साल से झूठ बोल रही है। मेरे आने के ये 1 साल बाद आई है। इनको शाहरुख खान साहब ने बिल्डिंग से फेंक दिया था, और देखो टप्पा खा के अभी तक यहाँ पे हैं।
और आपके जो जो कोलीग्स हैं, जो आपके कंटेम्पररीज हैं, वो आप उनमें से सिर्फ आप ही जिंदा हो ना? बाकी सबकी तो शादी हो चुकी है। यहाँ बस आप एक ही बची हैं। हाँ। ये आपसे कोई नहीं पूछता कि शादी कब कर रही हैं आप? हम एक दूसरे से पूछते हैं, हम मतलब कब शादी कर रहे हैं, आप कब शादी कर रहे हैं? एक दूसरे को आईने? हाँ, मतलब एक दूसरे से पूछते हैं ना। नहीं, बट इनका है। Let all of us ask this question to each other. This has become like the most famous question on this show. कि मैंने सुना है कि आप इन्हीं दिनों में कुछ कर रहे हैं शादी? मैं तो कर लूँगा। हाँ, आप कब? नहीं, लेकिन ये अभी मैं पूछता हूँ आपसे। I remember. मैंने एक बार सलमान से पूछा था, आप शादी कब कर रहे हो? He said कर रहा हूँ मैं दिसंबर में। लेकिन कौन से साल के दिसंबर में, ये मत पूछना। अब वो नवंबर हो गया। अच्छा, एक महीने प्रीपोन कर लिया, लेकिन साल अभी भी पता नहीं मुझे। हाँ, हाँ। आपने कब डिसाइड किया? आपको मैं इनविटेशन भेज दूंगी। आप यूं क्यों खड़ी हैं? मतलब I don't know how to react to you right now। आप यूं क्यों खड़ी है? ये आपने जो इतना बड़ा ये एंगेजमेंट रिंग है आपके हाथ में। अगर एंगेजमेंट रिंग होता तो मैं बहुत प्राउडली कहती। अरे मतलब ये खुद का फटका है। दिखाओ 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 ना, कितना मेहनत किया है, कितना मेहनत किया। फिर बहुत बदमाश है। मम्मी ने बोला कि ओके बेटा, नाउ यू वेयर दिस रिंग। नो नो नो, ये बस यहीं पे स्टॉप हो गया था। इस पे फिर ये किसने दिया आपको? दिया मुझे किसी ने। हाँ, चेक करा ना भैया, असली है नकली है?